नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को सऊदी अरब के एक दिवसीय यात्रा के दौरान किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग के पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा हुई। कांग्रेसी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह मीटिंग अच्छी रही और हमने कर्नाटक में राजनीतिक हालात पर चर्चा की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है। हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि हमने सभी समाज के विकास के लिए सभी समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। मायावती ने आगे कहा कि हरियाणा में दलितों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों का इतने साल में विकास नहीं हो पाया है, अगर हमारी सरकार बनी तो सबका विकास करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के एतमादपुर स्थित दशहरा मैदान में जनता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा साहब ने गांधी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। कांग्रेस ने दामाद जी के लिए जमीन एकत्रित करने वाले को विधायक बनाया। हुड्डा को 10 साल का जवाब देना चाहिए। भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने घोषणा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। संयोग से 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटाया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री की तुलना चील कौओं से करते हुए कहा कि वे राज्य को चील। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग मंत्री कहलाने के लायक ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के आखिरी मोड़ पर चलने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य सरकार ने सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी है। माना जा रहा है कि 17 नवंबर तक अयोध्या मामले पर फैसला आ सकता है। इसी बात के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनाने के लिए आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वीर सावरकर के ही संस्कार हैं कि राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो बाबा साहब को कदम कदम पर अपमान करने का काम किया। उन्होंने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न से दूर रखा। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले कांग्रेस पार्टी में नेताओं की नाराजगी और पार्टी छोड़ने का नाम थम नहीं रही है और अब इसी कड़ी में पार्टी के मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष चित्रसेन सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनावी सभाएं जोरों पर है और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, बहराइच और अंबेडकर नगर जिले में जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए कई सभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली से करतारपुर साहिब जाने वाले लोगों का पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार कर सकती है। आपको बता दें कि इसमें करतारपुर साहिब जाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान द्वारा वसूली जाने वाली परमिट फीस भी दिल्ली सरकार भर सकती है, जिसके लिए जल्द ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी और इस पर फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एतमादपुर स्थित दशहरा मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि शाह के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद माना जा रहा है कि यहां का चुनावी समीकरण बदल सकता है।
भारत के पेट्रोलियम रिटेल सेक्टर को लेकर विदेशी तेल कंपनियां अब असमंजस की स्थिति से निकल गई है और ऐसे में अब फ्रांस की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी टोटल ने भारत के अडानी समूह के साथ इस सेक्टर में उतरने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्सन मोबिल की तरफ से भी भारतीय बिजनेसमैन को लेकर नई घोषणा जल्द की जा सकती है। आरबीआई ने एसेट क्लासिफिकेशन रूल की अनदेखी के चलते लक्ष्मी विलास बैंक और सिंडिकेट बैंक पर फाइन लगाया है। लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 करोड़ रुपए और सिंडिकेट बैंक पर 75 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जुर्माना बैंकों द्वारा नियमों के पालन में विफल रहने के कारण लगाया गया है। आपको बता दें कि बैंकों के ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। WHO की रिसर्च के मुताबिक साबुन से हाथ धोते वक्त कम से कम 40 से 60 सेकंड तक हाथ में साबुन मलना जरूरी है। इसी तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कम से कम 20 से 30 सेकंड तक करना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक हाथ की सफाई करते वक्त हड़बड़ी दिखाने से कीटाणु खत्म नहीं होते, ऐसे में हाथ की सफाई बाद में बीमारी की वजह बन सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सिंह सहवाग एक बार फिर से साथ नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में होने वाले एक खास टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खास संदेश देने के लिए यह दोनों दिग्गज एक साथ दिखेंगे। नागिन 3 से लोगों के दिलों में खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अब बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएगी। जी हाँ, नागिन फेम सुरभि ज्योति बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। सुरभि ज्योति की डेब्यू फिल्म का नाम है सोनम गुप्ता बेवफा है। आपको बता दें कि सुरभि के साथ उनके फिल्म में मशहूर पंजाबी सिंगर जस्सी गिल भी दिखेंगे। ट्विटर पर सुपरस्टार शाहरुख खान के फॉलोवर की संख्या बढ़कर 3.9 करोड़ हो गई है। इस पर शाहरुख खान ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसी तरह से प्यार देते रहें, सकारात्मकता बढ़ती रहे। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट करते हुए अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।